हाँ सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। जी हाँ। सो गाइस, बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि काफी ज्यादा लोगों ने यार निराश करा है मुझे, और जाहिर है कि थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि एक हमारा जो चैंप है, जो कि व्हाइट कलर का हमारा लैबी है, लैबू है, वो अभी अवेलेबल है और ऑलमोस्ट 45, अभी ये तो मैं कहूंगा कि शायद से 2 महीने का हो गया है, और अभी हमने फिलहाल किसी तरह की वैक्सीनेशन नहीं कराई है। रीजन बस इतना सही था कि हमारा इरादा यह था कि हम चाह रहे थे कि हम जिस जिस को भी ये अडॉप्शन के लिए दें, वो लोग अपने आप अपने हिसाब से वैक्सीनेशन वगैरह कराने, और एक पासपोर्ट वगैरह या फिर एक कार्ड वगैरह बनता है बच्चों का। और मोटू आ गए तो मोटू से बात करते हैं। क्या मोटू हुआ? वो मटर वाले चावल भैया वाले फ्राइड राइस से मिक्स कर दूं आपको खाने तो नहीं? नहीं, और खाने होंगे तो मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो भी खा लेना, अंडे उबाल देना, अंडे वंडे सब होगा। बात खत्म हो गई। सो गाइस, इन सब चीजों के बीच में ना एक चीज है जो मेरे दिमाग में आई थी। एक्चुअली मैंने अपनी ना इंस्टा स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर एक वीडियो लगाई थी। एक छोटा सा पपी है, छोटा सा डॉगी था। मैं जस्ट यहीं पास में गया था, एक गली में वो था, मुझे अपनी मदर के साथ मिला, मैंने मिल्क वगैरह पिलाया और उसके बाद उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दी। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट उसके लिए भी आ जाएगी मेरे पास, जैसे कि मेरे बच्चों के लिए आई थी, मेरे लैप पपीज के लिए। बट यार ऑन अ सीरियस नोट, मुझे एक भी रिक्वायरमेंट नहीं आई, एक भी बंदे ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। स्ट्रीट डॉग था शायद इस वजह से, या जो भी था मुझे अंदाजा नहीं है। बट उस बच्चे के लिए किसी ने भी हाँ नहीं बोला कि यार चलो ठीक है, हम इसको अडॉप्ट करेंगे, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कई दिनों से लगातार मैं जैसे अपने बच्चों के वीडियोज डाल रहा था तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे। इवन ये तक कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, आप डिलीवरी अरेंज कर दीजिए, हम पैसे तक देने को तैयार हैं। लोग मुझे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये भी देने के लिए तैयार थे। और अपने आप को ये बता रहे थे, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि वो अपने आप को ये बता रहे थे कि हम डॉग लवर्स हैं और हमें आपका बच्चा चाहिए, हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सब धोखेबाजी है, धोखले हैं लोगों के, और बस ब्रीड के पीछे भाग रहे हैं। और यकीन मानिए, मैंने जब ये चीज महसूस करी, तकरीबन 24 आवर्स से ऊपर का टाइम हो चुका है, तब तो शायद वो स्टोरी हट भी गई होगी। मेरे पास एक सिंगल रिक्वायरमेंट नहीं आई। इवन उसके बाद भी मैंने अपनी तरफ से क्या कोशिश करी कि जिन लोगों ने मुझे ये बोला था कि सुहेल जी अगर कोई और दूसरा डॉग अवेलेबल होगा हमें बताना, हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे, हमारे लिए ब्रीड मैटर नहीं करती, हमारे लिए मेल फीमेल मैटर नहीं करता, बस आप हमें अवेलेबिलिटी बता दीजिएगा और हम आकर के उसको ले जाएंगे। ऑलराइट, तो सीन क्या हुआ, एक एक भी जो कि जब किसी ने भी उस वीडियो पे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने ऐसे लोगों को वीडियोस भेजना शुरू करा जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं ये चीज बोली थी कि हम पाल लेंगे। और भेजने के बाद ना उन लोगों ने भी मुझे रिवर्ट तक नहीं करा, पता है, जो मुझे ये कह रहे थे ना, थैंक यू सुहेब भाई, आपने वक्त निकाल के हमें रिप्लाई दिया, हमें रिवर्ट करा, हमें अपडेट करा, उन वो लोग उन्होंने मेरी उस वीडियो को, उस मैसेज को सीन करने के बाद उसे इग्नोर करा। इवन मैंने मैसेज भी करा अलग से कि भाई आपने कहा था ना कि आपको डॉग चाहिए तो ये डॉग अवेलेबल है, आप ये ले सकते हैं क्या, बट नहीं। और इवन कुछ लोगों ने तो कहा नहीं यार ये तो बहुत गंदा है, ये तो हम रख भी नहीं पाएंगे अपनी फैमिली के साथ और मुश्किल हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो गली में रहता है इसलिए वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बाकी जब हम उससे उसको लेकर के आएंगे ना, अगर अगर मैं अपने घर में ले आऊँ और उसको मैं थोड़ा सा नहला धुला दूँ, थोड़ा सा साफ कर दूँ, वो व्हाइट कलर का कुत्ता है, समझ रहे हो, व्हाइट बेबी है वो, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही मजेदार। बट यही है कि बस आप लोगों को शायद से ये, या तो ये था कि फ्री में चलो ठीक है भाई, जो चीज मिल रही है ले लो, ये लैब मिल रहा है फ्री में ले लो, मुझे तो ऐसा ही लगा। सर बताओ, अब इस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग फ्री के पीछे भाग रहे थे ना कि बच्चों के अडॉप्शन के लिए। और अच्छा हुआ, देखा, इसी वजह से मैं ज्यादातर लोगों से बात करने के बाद उन्हें मना कर रहा हूँ या उनको ना बोल रहा हूँ या उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वाइब आ जाती है कि इन ये बच्चा लेने में इंटरेस्टेड भी है या बस ऐसी हवाबाजी है। अच्छा गाइज, वैसे तो ज्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए, ऑफिस से जस्ट आया था, बस आपको ये चीज दिखानी है कि मेरा जो बच्चा है चैंप फिलहाल वो अवेलेबल है फ्री फ्री अडॉप्शन के लिए। आप लोग अगर चाहें, सीरियसली अगर आप चाहते हैं कि आप उसे अडॉप्ट करें तो आप प्लीज मुझे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ और आप यूट्यूब पर इस वाली वीडियो के नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके अगर रिस्पॉन्स करूंगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि भाई रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो ही मैं बच्चा दूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं बच्चा नहीं देने वाला। मेरे पास बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है 15-15 साल की कि हमें दे दो हम पालेंगे, भाई मैं ऐसे नहीं दूंगा। अगर आपकी उम्र है 15 साल, आपको लग रहा है कि आपको चाहिए, तो अपने पेरेंट्स से बोलो, वो मुझे कनेक्ट करेंगे तभी मैं बच्चा दे पाऊंगा। ऑलराइट, तो इस चीज को समझो तभी मुझे कनेक्ट करो, फालतू में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी भी उम्मीदें खराब होंगी और मेरा भी टाइम खराब होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे जो है तीनों मैगी अवेलेबल है। चैंप, तो ये हमारा चैंप है, देखो अभी आएगा चैंप, आ जा मेरा बेटा। हाँ देखो,
ये हमारा चैंप है। चैंप इधर तो आ जा, मेरे पास तो आ जा बेटा। कहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, हाँ क्यों कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ जाना है सोच रहे हो आप सोच रहे हो। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, रुक तो जा चुलबुले। अरे रुक जा, ये हटाऊ मेरा माइक इसके पास से। तो भाई ये है अपना चैंप, व्हाइट वाला। ब्लैक वाला तो हम रख रहे हैं फाइनली। अभी व्हाइट वाले के लिए मैं अच्छे पेरेंट्स ढूंढ रहा हूँ। तो अगर किसी को भी किसी के नॉलेज में हो कि भाई कोई अच्छा घर है जहां पर इसकी अच्छी देखभाल हो सकती है, जहां पर इसकी केयर कर सकते हैं लोग, ठीक है, और वो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी, अरे भाई बाबू रुक जा, वो लोग मेरे से जुड़ सके और ये बच्चा जो है सही जगह जा सके। तो बेसिकली क्या है कि ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा एक्टिव है और कोई भी चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ इस बार एक चीज और है कि भाई शायद से लोगों को लगता है कि ये हम पे भारी पड़ रहे हैं, हमें एकदम लोगों को देना चाहते हैं, पता नहीं क्या समझ में आता है लोगों को। तो भाई अब मैं किसी को भी डिलीवरी वगैरह देने नहीं आऊंगा, जिसकी भी जरूरत है, जिसको भी चाहिए, जो भी इससे प्यार करता है या कर सकता है, उसे मेरे घर पे आना होगा। ऑलराइट, और मैं आपको अपना पिन कोड बता दूं, दिल्ली 110044 में मैं रहता हूँ। बाकी कनेक्ट करूंगा, अगर अच्छा लगेगा, वाइब्स मैच करेंगी, तभी मैं आगे का एड्रेस दूंगा। ऑलराइट, और जो बाकी चीजें हैं वो आगे बता दूंगा। फिलहाल दोनों माँ बेटे लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, देखो मस्त। यहाँ पे हमारा ऑस्कर है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कूद नहीं सकता, ये आराम से जंप कर लेता है यहाँ से। हालांकि अभी चढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हाइट है यहाँ पे, इसके वजह से लोग चढ़ नहीं पाते हैं, बाकी तो मौज है भाई। तो ये दोनों भाई हैं, पीछे मम्मी जी खड़ी हैं इनकी, और ब्रूनो जो इनके पिताजी हैं हमारे, वो अभी फिलहाल दूसरे वाले फ्लैट में अवेलेबल है। हाँ सो गाइस, बच्चा आपने देख लिया है, स्कीम आपके समझ में आ गई है, कौन लोग एलिजिबल हैं इसे लेने के लिए और कौन लोग नहीं हैं। और दूसरी चीज ये है कि यार प्लीज कोशिश करो कि इक्वल समझो बच्चों को। ऑल राइट, और बाकी तो यार बच्चे के नसीब देखो, अब की बार हम लोग हल्के में नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और कार्रवाई जो भी होगी सख्त होगी। फिलहाल बच्चा 2 महीने का हो चुका है, और हाँ जी भाई, आज ही एक्जेक्टली 2 महीने का हुआ है बेसिकली। हाँ, और अगर नहीं भी मिलते हैं पेरेंट्स, नहीं भी कोई अच्छा हमें समझ में आता है, तो फिर हम इसको खुद ही रख लेंगे। हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम किसी और को देके इसकी जिंदगी को खराब करें या खतरे में डालें। ऑलराइट, तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को, छोटे से ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। सो गाइस, अपने पास अभी ये एक छोटा सा स्ट्रीट डॉग है, ये पपी अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज बताना। बेटा तू उद्दू भी, तो उद्दू भी, ये हाँ छुटका सा, ये देखो प्रॉपर एक्टिव है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसमें मेरी नज़र आज ही पड़ी है। किसी को चाहिए होगा तो बताना। आई थिंक ये मेल पप्पी है, बहुत ही प्यारा सा है, छुटका सा, दूध दे दिया फिलहाल मैंने इसको, इसकी माँ को, पी रहे हैं दोनों।